हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम घर पर शुद्ध ऑरेंज पील पाउडर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे ऑरेंज और उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब फ्रेंड्स, आपको जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह से आपको इसका जो छिलका है उसको अलग करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको छिलके में से ऑरेंज ऑरेंज परत है वो ही लेनी है, इसका वाइट वाला भाग जो है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है इसको लेते जाएं और इसके अंदर जो है ऑयल होता है एक बहुत ही जिससे फ्रेग्रेंस आती है, तो इसके अंदर जो ऑरेंज पील में ऑयल होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप चाहें तो ये जो हम छिलके इसके अलग कर रहे हैं उसको आप बॉईल करके अगर आप चाय के रूप में भी उसे पीते हैं छान कर, तो विटामिन सी का बहुत अच्छा ये सोर्स है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप उस बॉयल किए हुए वाटर को एज अ फेस टोनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में और पिंपल्स दूर करने में बहुत मदद करता है। साथ ही फ्रेंड्स, ये स्किन टोन भी लाइट करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो है इस तरह से सारे हमने पील को अलग कर लिया है और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन पील्स को सूखने के लिए रख देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर ये ड्राई हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन पील्स को आपको छाया में ही सुखाना है, जिससे कि क्या हो कि इनका जो अंदर का ऑयल है वो इनके अंदर ही रहे। धूप में सुखाने से इसके कुछ गुण नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है इसको 2-3 दिन के लिए ड्राई करके रख लेना है। उसके बाद में ये पील्स आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। ये हमने पहले से ड्राई करके रखे हुए हैं क्योंकि हम यूज़ करते ही रहते हैं, तो ये इस तरह से ड्राई हो जाएंगे। फिर आपको इनको अच्छे से कूट पीस लेना है। ध्यान रहे, आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर नहीं कूटना पीसना है, उससे जो है इसका इन चीज़ों के हर्ब्स के गुण कम हो जाते हैं। तो इनको खरल में या ओखली में आप कूट के तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप चाहे तो इसे फेस पैक के रूप में लगा सकते हैं। आप इसको दही में मिक्स करके स्क्रब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके स्किन को एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा और इसकी खुशबू तो इतनी जानदार है कि क्या कहें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।